हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो स्वागत है आपको फिर से एक न्यू व्लॉग पर। तो आज के इस व्लॉग पर ज़्यादा कुछ तो नहीं फिलहाल। आज लगभग कितना दिन के बाद नहा रहे हैं, किस दिन आए थे हम भूल गए। लगभग 5 दिन के बाद नहा रहे हैं आज। 5 दिन नहीं हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं। हाँ लगभग तीन दिन के बाद आज नहाने आए हैं। तो नहाएंगे बाहर, वहाँ पे धूप में नहाएंगे। तो धूप में नहाने से पहले क्या करेंगे कि आज थोड़ा सा, तो देखते हैं थोड़ा सा नहा करके, थोड़ा सा धूप में। अभी तो तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है, अभी नाश्ता वास्ता करके आए, अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि हम क्या करें अगले बार, अगले बार, अगले बार, अगले बार क्या क्या करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल अभी जाते हैं, नहा करके आते हैं, नहा करके आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम अभी नहा चुके हैं, नहा कर रेडी हो चुके हैं। तो अब जाएंगे घर, घर जाने खाना खाने घर जाएंगे, घर जाकर खाना खाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा एक आयत सुनाने वाला हूँ, जो कि सुनकर आप लोग भी बोलेंगे माशाल्लाह बोल देना। तो फिलहाल आप लोग को सुनाने की तैयारी चल रही है, आप लोग को सुनाते हैं हम अभी। يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس كاميرا देख के थोड़ा सा डर लग रहा है। كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون। बस यही है कि आज अभी चलते थोड़ा सा घर जाते। घर से कॉल आ चुका है, 2 बज चुका है, अभी तक खाना नहीं खाए। बहुत बहुत देर से ट्राई कर रहे थे इस आयत को, मतलब तर्ज के साथ पढ़ने के, लेकिन तर्ज के साथ नहीं पढ़ पा रहे। मतलब उतना प्रैक्टिस नहीं है ना, और काफ़ी शानदार लगता है ये वाला आयत हमको। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें हमेशा सुनते हैं, ऐसा बात नहीं। तो फिलहाल निकलते हैं अब अभी घर, घर के और घर जाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं वहाँ से, खाना हमें खाकर बैठे हुए थे यहाँ पर, इस पर बैठे हुए थे। तो थोड़ा सा सोचे कि यार आप लोग एक कहानी सुनाते हैं। और कहानी किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, बीती हुई बात को कहानी कहते हैं, ठीक है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है, दशरथ मांझी को आप लोग शायद जानते होंगे। तो दशरथ मांझी कब पैदा हुए थे आप लोग को पता है, 1939 पर, 39 था या फिर 29, हाँ 1929 या 39 पर, मतलब उसका पैदा हुआ था, ठीक। तो उसने जो जिस पहाड़ को काटा था, उस पहाड़ का काटने का रीज़न क्या था पता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो रीज़न इसलिए था क्योंकि उसी पहाड़ से चढ़कर, वो जहाँ पर खेती करते थे, उसकी पत्नी वहाँ से, मतलब उस पहाड़ को क्रॉस करके इसके लिए खाना लाती थी। तो उसी दौरान क्या हुआ, एक दिन इसी तरह काम करते थे, एक दिन उसी तरह वो काम कर रहे थे, और उसके बाद उसकी पत्नी उधर से लेकर आती है खाना, उसकी पत्नी उधर से खाना लेकर आती थी। लेकिन क्या होता है कि उस पहाड़ से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, समझ लीजिए, ठीक ना। तो उसके डेथ होने के बाद उसका एक दशरथ मांझी को चढ़ाता जोश कि अब आज के बाद हमें इस पहाड़ को ही काट के गिरा देंगे, ठीक। तो इसी के दौरान, मतलब पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था, और उसी दिन छेनी हथौड़ी लेकर गया, और उसके बाद पहाड़ को काटने की सोचा, और पहाड़ को काट कर वो हटा ही दिया। ये था जुनून। तो आप लोग बताना कि उस पहाड़ का नाम क्या था, आप लोग बताना, ये आप लोग का डियर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा। ये कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। हम पढ़े आज ही, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर ही कर देते, जो पढ़े वही शेयर करने के लिए ब्लॉग बना ही रहे। तो आप लोग बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में नहीं, मेरे कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल देखते हैं अभी कहीं जाने वाले हैं शायद, यार क्या बताए, कोई है ही नहीं जो मुझे लेकर जा सके। बट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ माई लाइफ। ओके मिलते हैं।